ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਬਸ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਹ ਅੱਛੀ ਲਈ ਜਾ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ 1998 ਦਾ 1998 ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਟਾਂਗ ਇਹ ਕੀ ਪਕੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਪੰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਸਸ ਲੈਤੇ ਹੋ ਸਰ ਇਧਰ ਸੇ ਲੈਤੇ ਚੁਗੀਆਂ ਸੇ ਉਹ ਭਾਗੇ ਯਾਰ ਹਮੇ ਦੇਖ ਕੇ भाग गए होंगे हम तो सर पीते हैं जो नशा बेच रहा था वो भाग गया पुलिस नहीं आती इनको पुलिस पकड़ती है लेकिन वो मंथली लेकर छोड़ देती है पुल्ले और नीचे ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर हमें इतलात है कि कुछ लोग पाउडर को जो है ना यानी कि वो बेचते हैं पुलिस वाले जो है ना वो बिल्कुल खामोश हैं तमाशा ही हैं लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और पैसे वगैरह लेते हैं और चले जाते हैं मैं क्या कि कर रहे थे फिर ही कर रहे हैं सर नहीं नहीं चर्च ले आना है सी हाँ जी ये देखो वो थले बंदा नहीं वो बंदा ही कौन है चला गया नहीं 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 नाजिम वो देखें वो जा रहा है इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ भाई किधर आओ जनाब नीचे करो इसको ओ जाओ जनाब थले करो ना थले कर मैं तो कह रहा थले कर इधर आ इधर आ इधर आ ये देखें जी ये लोग हैं और ये नशियों का गढ़ है आप देखें जरा कि कितनी तादाद के अंदर ये नशेइयाँ यहाँ पर वो जो नशा बेच रहा था वो भाग गया है वो भागने में कामयाब हो गया है ये तो गढ़ बन चुका हुआ है जनाब बाबा जी की हाल है नशा करते पे हो बैठ के अच्छी गलत नहीं है ना मैं कहा अच्छी गलत देखो मैं कितों लेंदे हो वो तो नस गया सानू देख के आओ अच्छी लाई जा मैं देना वो देखें किस तरीके से भाग रहा इधर आ 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 ये लोग भाग गए हैं और ये नशा करते हैं यहाँ पर बैठ के ये साथ से यहाँ से वो खरीदते हैं और आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में ये नशे यहाँ पर मौजूद थे और जनाब नशा कर रहे थे अब ये भाग गए हैं लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है पुलिस वाले आते हैं ये साथ ही यहाँ पर खड़े होकर नाका लगा के खड़े रहते हैं लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक ये था कि पुलिस वाले भी आते हैं यहाँ से और पैसे वगैरह भी लेते हैं ये ठीक है अल्लाह पाक की रहमत कितों ना कर रहे हो नशा सन 1998 का 1998 बाबा जी आप भी नशा कर रहे हैं मैं नशा नहीं करता लेकिन मेरी टांग ये क्या पकड़ा हुआ है ये मैंने दिखाओ जी इधर आओ ये पकड़ी हुई है पन्नी ये क्या पन्नी हाँ जी ये पन्नी लगाने लगे थे अभी आप पन्नी लगाते नहीं है देख रहे हैं सिर्फ इसको हाँ जी तो ये तो अच्छी चीज नहीं है बुरी चीज है लाला ये बहुत बुरी चीज है तो ये जो जान की है ये दुश्मन है इंसान की जान की आप बुजुर्ग बंदे हैं ये अपनी जान के साथ खुद जुलम करते हैं किसी के साथ ना हेरा फेरी ना चोरी ना कोई डाका कोई काम नहीं करते हम लोग इसीलिए कि हम अपनी जान के साथ खुद जुलम कर रहे हैं इसलिए कि माँ बाप नहीं है बहन भाई नहीं है कोई बीवी बच्चे नहीं है लेकिन ये चीज तो अच्छी नहीं है यहाँ पे वो जो बेचते थे वो तो भागे हैं उन्होंने हमको देखा यहाँ से लेते हैं आप वो यहाँ ही रहते हैं तंबुओं के अंदर ही अच्छा। वो तंबुओं के अंदर ही आगे पीछे हो जाते हैं भागते नहीं है एक तंबू में भरते हैं तीसरे तंबू में जा निकलते हैं लेकिन बड़ा भगाया उन्होंने वो तो भाग गए भागते नहीं है भाग कर कहाँ जाना है आपको मैंने बताया कि एक तंबू में वो अंदर दाखिल होते हैं और उसके रास्ते बने हुए हैं वो पुलिस नहीं आती हाँ पुलिस नहीं आती इनको पुलिस पकड़ती है लेकिन वो मंथली लेकर छोड़ देती है ये साथ ही यहाँ पे खड़े रहते ना ये साथ ही ये रिंग रोड है यहाँ से रिंग रोड ऊपर चढ़ती है और ये साथ ही यहाँ पे पुलिस वाले नाका लगा के खड़े रहते हैं सारा दिन यहाँ पे लोगों को रोकते हैं और इनके बिल्कुल नीचे ही ये सब बैठे हैं नशे और नशा कर रहे होते हैं और ये साथ ही यहाँ से नशा लेते हैं और यहाँ पर बैठ के नशा कर रहे होते हैं ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही पैसे लेते हैं पैसे लेकर छोड़ देते हैं इनको समझते हैं यार महीने की मंथली लेते हैं 10,000-15,000 रुपया मंथली लेते हैं आप कितने का नशा करते हैं डेली हाँ कितने का करते हैं डेली मुझे हो गया तकरीबन को 40 साल हो गया नशा करते हैं ये पाँव पे क्या हो गया ये पाँव का एक्सीडेंट हो गया था मैं ड्राइवर आदमी हूँ ड्राइवर के बाद मेरे पाँव में राड पड़ गए हैं देख लें जी ये हालात हैं बहुत गंभीर हालात हो चुके हैं लेकिन इंतजामिया खामोश है अब ये देखें नौजवान नस्ल है हमारी और ये देखें किस तरीके से भाई बैठे हुए हैं नशा कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है पुलिस वाले नहीं आते यार आते हैं कहाँ से लेते हो सर इधर से लेते हैं झुग्गियाँ से वो भागे यार हमें देख के भागे होंगे हम तो सर पीते हैं आप पीते हैं यार ये चाकू शाकू रखे हुए हैं ये चाकू क्यों रखे हुए हैं सर चाकू रखे हुए ये मेहनत तारे तुने गिरी मिल जाती है ये आपने चाकू चाकू दिखाओ इधर ये दिखाओ इधर दिखाओ सर ये देखें जी नादी चाकू भी रखे हुए हैं इन्होंने ये क्यों रखे होते हैं आपने हमला करने के लिए कोई आ जाए इनसे पैसे ले जाते हैं हमारे से आगे ज्यादती करते हैं पैसे छीन लेते हैं ये हमने इसलिए रखा हुआ
नादरीन मैं आपको बता रहा हूँ, आप यकीन करें कि ये नशियों का फार्म हाउस बना हुआ था। इस वक्त आप देख सकते थे कि किस तादाद के अंदर, ये सैकड़ों की तादाद में नशे थे जो यहाँ पर बैठ कर नशा कर रहे थे। और ये सबसे बड़ा फार्म हाउस है जो कि आज तक आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये भाई बैठे और नशा कर रहे हैं। और नौजवान नस्ल है ये, बर्बाद हो गई है जनाब। इंतजामिया पुलिस वाले कुछ नहीं कहते। नहीं सर, सानू की कहना उन्होंने। हाँ जी, पैसे लेकर हम लोग से पैसे में से छीन लेकर चले। आप तो खान भाई हो हैं? हम खान भाई। खान भाई नशा कर रहे हो यार आप भी? हमारा बात सुनो बड़े भाई, अभी जय को नाम साहब आपको साफ बात बोले। हमारा ये क्या कर रहा है, ये दिखाओ दिखाओ, ये देखें ये क्या कर रहा है। ओ भाई ये देखें जी, देखें अब ये इस लानत पे लग गए, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल खामोश है, पुलिस वाले खामोश तमाशा ही बने हुए हैं। पुलिस वाले जो है ना हम लोगों को पकड़ता है ना, हम लोगों से जो पैसे वगैरह होता है वो छीन लेता है। अब ये हालात हैं नाजिन, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नशेई लोग यहाँ पर बैठ के नशा कर रहे होते हैं। और उनका कहना यही है कि पुलिस वाले आते हैं पैसे लेते हैं और जनाब जो इनके पास भी होते हैं वो भी छीन लेते हैं। अब जो नशा बेच रहे हैं वो सरेआम बेच रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो भाग गए हैं। अब ये देखें फिर ये बैठे हुए हैं जनाब, और ये चादर ले लिया जनाब, और ये अपना काम इन्होंने जारी रखा हुआ है कर रहे हैं। लेकिन अब जाहिर बात है लानत पे लग तो गए हैं। और ये सूरत आला नाजिन, इंतजामिया खामोश है, इंतजामिया बिल्कुल खामोश है, तमाशा ही बनी हुई है। अब ये साथ ही रिंग रोड है, ये रिंग रोड के साथ ही सैकड़ों की तादाद में नशे यहाँ पर बैठे हुए हैं और नशा कर रहे हैं। अब वो नीचे तो जब लेने गया है, हम उसके पास गए हैं तो वो भाग गया है, जो नशा बेच रहा था वो भाग गया है। अब देखें आप, भागा है वो, लेकिन अगर हमारे आने से ये लोग भाग सकते हैं तो इंतजामिया कहाँ पे है, पुलिस वाले कहाँ पे है? जो कि हर माह की पहली तारीख को आप सैलरियाँ ले लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस लानत को आपने मुआशरे से ख़त्म भी करना है। ये आपका काम है, ये ड्यूटी आपकी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से वो काम हम कर रहे हैं जो आपके करने वाले हैं। तो खुदारा इंतजामिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस चीज़ पे एक्शन लें, ये नशे की लानत को इस मुआशरे से ख़त्म करें। नौजवान नस्ल बुरी तरह से ख़राब हो रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा जहाँ से ये अपर क्लास पे ऊपर से ऊपर के लेवल से जो है ना इस लानत को ख़त्म करें, जहाँ से ये लानत आ रही है वहाँ पर इसको ख़त्म करें। अब देखें ये सरेआम बैठ के यहाँ पर नशा बेचते हैं, पुलिस वाले खामोश हैं, तमाशे ही बने हुए हैं। ये साथ ही यहाँ पर रात को खड़े होकर नाका लगाया होता उन्होंने, लेकिन लोगों का जो नशेई है वो यही बता रहे हैं जनाब, पैसे लेके जाते हैं वो नहीं रोकते। अब ये मजबूर हैं बेचारे, नशे पे लग गए हुए हैं, ये तो लानत पे लग गए हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो एनजीओ हैं, जो अदारे हैं, वो इनको लेकर जाएं, इनका इलाज करवाएं। लेकिन जो ये लानत को बेच रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।